हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी नूडल्स विथ शेजवान सॉस। तो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। ओके, टू स्टार्ट विद द रेसिपी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड नूडल्स। कुछ बॉइल्ड नूडल्स हैं मेरे पास, तो ये इसमें डालेंगे और इसे थोड़ा हम क्रिस्पी बनाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर रखना है, ठीक है, और इन सारे नूडल्स को अच्छे से हम क्रिस्पी बनाएंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है और बीच बीच में इन नूडल्स को आपने ऐसे गैदर करते रहना है, ठीक है, ताकि इसका एक राउंड शेप बन जाए और ये स्प्रेड ना हो जाए पैन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन नूडल्स के ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर से कुकिंग ऑयल इस तरफ से डालेंगे और इन नूडल्स को अब हम फ्लिप करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन केयरफुली अगर आप करें ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से क्रिस्पी हो चुका है ऐसे। तो इस तरफ से भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है आपको, ठीक है, ताकि दूसरी तरफ जो नीचे का जो साइड है वो भी क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। तो इसको भी ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स लगेंगे हर एक साइड को, जब आप क्रिस्पी बनाएंगे ना तो इसे ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो उतनी देर तक आपको नूडल्स तेल में इसमें पैन में रखना है, ठीक है। अब मैं साइड से थोड़ा सा और तेल डालूंगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बीच बीच में आपको इन नूडल्स को ऐसे घुमाते रहना है ताकि जो हमने तेल डाला है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और नूडल्स अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी हो चुके हैं नूडल्स। अब हम टर्न करेंगे इसको फिर से, ये देखिए बहुत आसान है टर्न करना दिखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब आप टर्न करेंगे तब आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये नूडल्स क्रिस्पी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इन नूडल्स को मैं प्लेट में निकाल दूंगी, इन नूडल्स रेडी हो चुके हैं इस तरह से। उसी पैन में हम शेजवान सॉस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, उसके बाद उसमें डालूंगी मैं बेबी कॉर्न और फ्रेंच बीन्स लिए मैंने, थोड़ा सा लेना है, चॉप्ड करके लिया है मैंने। हम सौते करेंगे अच्छे से, मीडियम हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद में डालूंगी शेजवान सॉस डालूंगी मैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी ऑलमोस्ट 1/2 to 1 कप, बस इतना ही डालना है और इसे थोड़ा सा कुक करना है। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए इसे हम कुक करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, ये भी मिक्स करेंगे अच्छे से और सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालेंगे, ठीक है। तो अब हम नूडल्स सर्व करेंगे। ये जो नूडल्स हमने फ्राई किए हैं वो हम इसमें निकाल देंगे एक बोल में, सर्विंग बोल में, ध्यान से एकदम ओके। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी ये सॉस, जो हमने सॉस तैयार किया है वो मैं डालूंगी इसके ऊपर।
आपको जितना चाहिए आप सॉस डाल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, ये सॉस बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए चॉप्ड बेबी कॉर्न, थोड़ा सा और फ्रेंच बीन्स, और इसके ऊपर मैं डालूंगी फ्राई किए हुए नूडल्स। तो हमारे क्रिस्पी नूडल्स विद शेजवान सॉस रेडी है। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। बाय।